16 फरवरी को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्तावित, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगा बैठक का आयोजन। छात्र संघ चुनाव बहाली व ईआरपी सिस्टम की खामियों को दूर करने की मांग को लेकर आज छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश विश्वविद्यालय में किया धरना प्रदर्शन। सुजानपुर में 5 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव। उत्सव के दौरान पहली बार होगा सरस मेले का आयोजन। जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। सिरमौर जिला में सरकारी स्कूलों में बढ़ रही छात्रों की तादाद, निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आ रहे बच्चे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन के राष्ट्रीय स्तर पर हुए सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जिला सिरमौर राष्ट्रीय स्तर पर रहा अव्वल, राष्ट्रीय स्तर पर 73 जबकि जिला सिरमौर की दर रही 77.5%। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की प्रदेश कार्य समिति की बैठक ऊना में आयोजित। समिति ने कर्मचारियों के लंबित वित्तीय भुगतान के लिए सरकार से बजट में 500 करोड़ का प्रावधान करने की उठाई मांग। आयुर्वेदिक फार्मेसी जोगिंद्रनगर में वित्त वर्ष 2022-23 में 2,35,51,000 रुपए की लागत से किया गया 62,200 किलोग्राम आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण। वर्ष 2023-24 के लिए सरकार से 18,650 किलोग्राम की 10 आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माण के लिए प्राप्त हुए 78 लाख रुपए।